एंड क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ बड़ी सफेद कलर की जो मार्बल मूर्ति है वह जगदम्बा की है और आगे जो है उमा देवी माँ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं रश्मि प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल रश्मि प्रिया वीलॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं विजिट करने जा रही हूँ एक ऐसी जगह जिसकी वजह से मुंबई को मुंबई नाम मिला, और वो जगह है मुंबा देवी टेम्पल, जो कि मुंबई के भुलेश्वर में है। तो भुलेश्वर मैं लोकल ट्रेन से जाने वाली हूँ और मुंबा देवी मंदिर के इतिहास से जुड़ी तथा मंदिर से जुड़ी मुख्य जानकारियाँ मैं आपको समय समय पर ब्लॉग में ही देती रहूंगी, तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट ब्लॉग को शुरू करते हैं एंड चलते हैं रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, मैं पहुंच गई हूं मरीन लाइन रेलवे स्टेशन एंड यहां से मुंबा देवी टेम्पल अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। तो आप वॉक करके भी जा सकते हैं या टैक्सी या कैब भी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। एंड क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूं तो मुझे पता नहीं है कि बाहर टैक्सी मिलेगी या कैब मिलेगा। बाहर ऐसे कुछ कैब लगे पड़े हैं। तो स्टेशन से बाहर आके आपको कुछ इस तरह की इको टैक्सी मिल जाएगी। इसका शेयरिंग टैक्सी है ना? शेयरिंग टैक्सी। इसका कितना है? 15 रुपया। 15 रुपये मंदिर का। और अगर आप बुक करके जाना चाहते हैं तो आपको ऐसी मिल जाएगी जिसका 70 रुपीज कॉस्ट होता है पर पर्सन, अगर आप अकेले जाना चाहते हैं। दवा बाजार। दवा बाजार मुंबा देवी पत्रकार है। जाओ दे, जाओ दे। सो बैठी हूँ मैं, शेयरिंग कैब ले ली है मैंने। एंड अब यहाँ से अप्रोक्स कितना है? 2.5 किलोमीटर। अपना 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है तो अगर हम वॉक करके जाते तो 1.5 किलोमीटर पड़ता। तो अभी कैब से जा रही हूँ तो 2.5 किलोमीटर है। 400 साल पुराना मंदिर है। ये देखो पारसी डेयरी। पारसी डेयरी बहुत पुराने। इधर ऑटो नहीं चलते हैं ना? इधर अलाउ नहीं है। कहाँ से? बांद्रा के उधर है। बांद्रा के उधर अलाउ। चैनल का नाम है रश्मि प्रिया ऑफिशियल, आप डालोगे तो मिल जाएगा। अभी मैं लास्ट सिद्धि विनायक गई थी, लक्ष्मी टेम्पल, शिरडी, त्रिम्बकेश्वर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे फटाफट आप लोग भी सब्सक्राइब करो रश्मि प्रिया ऑफिशियल। खाली रश्मि प्रिया सर्च करने से भी आ जाता है। ये है मेरा चैनल। हाँ हाँ, देखना। और ये जो डाले हैं अभी हम लोग का बनाया है, डालेंगे तो आएगा क्या? हाँ, ये कल आएगा, कल या परसों में आ जाएगा। अच्छा आएगा। कैब से मैं यहाँ उतरी हूँ एंड इधर लेफ्ट में भुलेश्वर मार्केट है, राइट में इधर मंदिर है। सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ श्री मुंबा देवी मंदिर के जस्ट बाहर। एंड बाहर का नजारा कुछ इस प्रकार का है। मंदिर के बाहर काफी सारी दुकानें हैं जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं, फूल माला ले सकते हैं, माता के लिए चुनरी ले सकते हैं एंड जो भी पूजा से रिलेटेड आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड मैंने भी प्रसाद ले लिया है और अब चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको सिक्योरिटी चेकिंग करानी होगी एंड मंदिर के अंदर भी आपको काफी सारी शॉप्स दिख जाएंगी जहां से आप प्रसाद और पूजा का सामान ले सकते हैं। एंड मंदिर के अंदर आपको मिल जाएंगे फ्री शूज स्टैंड, तो आप यहाँ पर अपने स्लीपर शूज जो भी है जमा करा सकते हैं। और मुंबा देवी के मंदिर के साथ ही भगवान शिव और गणपति बप्पा का मंदिर भी है। देश विदेश से लोग श्री मुंबा देवी मंदिर में माँ के दर्शन के लिए आते हैं और ऐसी मान्यता है कि अगर आप माता को सच्चे मन से लाल चुनरी चढ़ाते हैं तो माता प्रसन्न होकर आपके सभी मनोरथ पूर्ण करती है।
और अगर बात की जाए मंदिर के टाइमिंग्स की तो आप यहाँ ट्यूसडे टू संडे सुबह 6:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। सोमवार के दिन मंदिर बंद रहता है। और ये है वो धुनी जिसके नीचे मंदिर का गर्भागृह है। एंड माता के मंदिर के जस्ट सामने ही एक विशाल शंख बनाया गया है जो कि देखने में बहुत ज्यादा सुंदर और भव्य लगता है। और अब बात करते हैं इस मंदिर के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। पहला फैक्ट तो मुंबईकर्स को पता ही होगा कि इस सिटी का नाम मुंबई हुआ है मुंबा देवी से। मुंबा देवी पार्वती देवी का ही अवतार है। उन्होंने फिशर वुमेन का अवतार लिया था टू गेन परसेवरेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन। देवी पार्वती का इस अवतार में बाल काल में मत्स्य नाम था, फिर उन्हें मुंबई के नाम से जाना जाता था। भगवान शिव ने फिशरमैन के अवतार में मुंबा देवी से विवाह किया था। उसके बाद गांव के सभी फिशरमैन ने देवी जी से अनुरोध किया कि वो वहीं पर यानी मुंबई में ही स्थापित हो जाए हमेशा के लिए, क्योंकि सभी गांव के लोग देवी जी को मुंबई के नाम से पुकारते थे, इसलिए सिटी को अपना नाम मिला मुंबई। मंदिर परिसर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने की सख्त मनाही है। मंदिर की वास्तु बहुत ही आकर्षक है। सभा मंडप में कमानियों पर किया हुआ नक्काशी का काम बहुत ही प्रशंसनीय है। मंदिर में प्रवेश करते ही बाईं तरफ मां मुंबा देवी विराजमान है। केसरिया रंग के चेहरे वाली मां मुंबा देवी के चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई देता है। रजत मुकुट और विविध रत्नों से सुशोभित मां मुंबा देवी का दर्शन यहां पर होता है। एंड मैंने जब मंदिर में प्रवेश किया तो मंदिर में आरती हो रही थी और मुझे मां मुंबा देवी की आरती देखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मुंबा देवी का मंदिर 1737 में मेंजिस नामक जगह पर बना था जहां आज विक्टोरिया टर्मिनस बिल्डिंग है। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने इस मंदिर को मरीन लाइंस पूर्व क्षेत्र में बाजार के बीचों बीच स्थापित कर दिया। उस वक्त मंदिर के तीनों ओर बड़े बड़े तालाब थे जिन्हें पाट कर अब मैदान बना दिया गया है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 400 वर्ष पहले का है। कहते हैं मुंबा देवी मंदिर की स्थापना मछुआरों ने की थी। उनका मानना था कि मुंबा देवी समंदर से उनकी रक्षा करती हैं। और मंदिर तथा मंदिर के इतिहास से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए मैंने बात की मंदिर के पंडित जी से। तो आइए जानते हैं क्या कुछ बताया उन्होंने मंदिर के इतिहास के बारे में। संदीप भट्ट, मुंबा देवी माता की सेवा में 11 साल हुआ है। ऐसा है, श्री मुंबा देवी मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध भारत का प्रसिद्ध मंदिर है। मुंबा देवी माँ या अन्नपूर्णा और जगदम्बा के साथ में विराजित है। जैसे ललितांबा महात्रिपुर सुंदरी कच्छप के ऊपर सवार रहती है, वैसे ही मुंबई रूपी इस कच्छप के ऊपर माँ मुंबा देवी विराजित है। मुंबई की सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से माँ मुंबा देवी रक्षा करती आई है। मुंबा देवी माँ ये यहाँ की ग्राम देवी और कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध है। कोली समाज इन्हें अपने कुलदेवी के रूप में मानता है। प्राचीन समय में ये मुंबा देवी मंदिर हाल जो वीटी है वहां पर स्थापित था, लेकिन मास्टर प्लान के अंतर्गत अंग्रेजों के समय में ये मंदिर को यहाँ पर भी स्थापित किया है, जो प्रजा अभी वर्तमान स्थान है। पहले जो वीटी जो हाल में है, वीटी में यहाँ ये मंदिर पहले था प्राचीन समय में। ये कुछ 450 साल का इतिहास बताता है। उसके बाद में इस मंदिर को यहाँ स्थापित किया है जी। भुलेश्वर जवेरी बाजार स्थान है, जवेरी बाजार में माँ मुंबा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ये मुंबा देवी माँ अन्नपूर्णा और जगदम्बा के साथ में विराजित है। यहाँ पर नैमित्तिक रूप से श्री विद्या सपर्या क्रम होता है। देखिए देवी के चतुष्षष्टी उपचार जो होते हैं, छोटी जो मूर्ति है अन्नपूर्णा की है, बड़ी सफेद कलर की जो मार्बल मूर्ति है वह जगदम्बा की है, और आगे जो है मुंबा देवी माँ है। बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराम भूतिम धारियंतिम शिवाम्बजे। वो शिवाम्बा के रूप में चतुर्भुज वर्ण में माँ मुंबा देवी विराजित है। मुंबई के अंदर में
आने वाले जो भी लोग हैं, जो एक बार माँ श्री मुम्बा देवी के श्री चरण में आते हैं, एक आसरा लेकर आते हैं, उनके सर्व मनोरथ माँ मुम्बा देवी कृपा से सिद्ध होते आए। हमने भी इन कम समय में बहुत से माँ के कृपा और चमत्कार देखे हैं। कई लोगों ने अपनी जो जो इच्छाएं लेकर आए हैं माँ मुम्बा देवी की कृपा से, उनकी वो इच्छाएं जरूर आज तक पूरी होती आई है। कहते हैं कि रावण के मामा मारीच जो थे, वो माँ मुम्बा देवी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते थे, और वेदों में जिन्हें भूमि माता के रूप में पूजा गया वही माँ मुम्बा देवी है। मुम्बा देवी और अन्नपूर्णा जगदम्बा माँ का यहाँ पर जो मंदिर प्रसिद्ध है, इसमें कहते हैं कि मुंबई में कभी कोई भूखा सोता नहीं है। निश्चित ही माँ अन्नपूर्णा की कृपा है मुंबई ग्राम में। यहाँ पर साल भर में मुख्य चार नवरात्रि होते हैं, इसमें प्रसिद्ध चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि का बहुत बड़ा महात्म्य है। कहते हैं कि आश्विन नवरात्रि जो है वो साल भर का एक सबसे बड़ा नवरात्रि है, और चैत्र नवरात्रि उसमें मुम्बा देवी मंदिर विश्वस्त निधि द्वारा विश्व कल्याण के लिए 71 वृद्धि चंडी याग अनुष्ठान किया जाता है, और संपूर्ण विश्व में सुख शांति रहे, सभी लोग आरोग्य रहे, माँ मुम्बा देवी के दर्शन करने के लिए आने वाले सभी लोगों के मनोरथ सिद्ध हो, जो जो इच्छा लेकर आज तक लोग आए हैं माँ की कृपा से उनकी सभी की इच्छा पूरी हुई है। माँ से हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि माँ आपकी शरणागत में आने वाले सभी की मनोकामना सिद्ध हो, मुंबई ग्राम में, इस पूरे भारतवर्ष में, इस संपूर्ण विश्व में, अखिल ब्रह्मांड में सुख शांति रहे, सभी लोग आनंद के साथ में अपने जीवन को यापन करें। और कहते हैं क्योंकि अब चैत्र नवरात्रि आ रहा है, तो नवरात्रियों का महात्म्य क्यों है उस विषय पे भी थोड़ा सा आपको चर्चा कर देता हूं मैं। कि ऐसा बताया गया है कि नवाहम नवाहर समुच्चा नाम की नवरात्रियों के समुच्च को नवरात्रि कहा गया है। जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, तो ऋतु परिवर्तन के साथ साथ में बहुत सी छोटी मोटी महामारियां प्राणी जगत को तकलीफ देती हैं, तो उन सभी महामारियों का निवारण हो तब हेतु शक्ति का आराधन किया जाता है। तो माँ मुम्बा देवी के मंदिर में भी प्रत्येक नवरात्रि में हमारे एक पुजारी सभी के प्रतिनिधि के रूप में व्रत करते हैं, और माँ की सेवा करके यही प्रार्थना करते हैं कि माँ सबके ऊपर दया बनाए रखना। आगे भी माँ मुम्बा देवी से हम प्रार्थना करते हैं, मुंबई में निवासरत सभी लोगों का हर तरह से, चाहे प्राकृतिक हो चाहे सभी प्रकार से रक्षा हो, उस हेतु माँ से हमेशा प्रार्थना करते आए हैं। आपके श्री चरण में दर्शन करने आने वाले लोग, चाहे कोई संतान की इच्छा से आता है, कोई धन की इच्छा से, कोई घर की इच्छा से, किसी प्रकार के आश्रय की इच्छा से, तो माँ आप हमेशा ऐसे ही जैसे अभी तक दया बनाते रही हैं वैसे ही दया बनाए रखना। इस मुंबई ग्राम की हमेशा आप सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से माँ रक्षा करते रहना। इस अखिल भारत वर्ष का संपूर्ण विश्व में नाम हो, हमारा भारत वर्ष सनातन धर्म अखिल ब्रह्मांड में एक विशेष करके हमारा भारत का नाम हो, विश्व गुरु हो, यही हमारी माँ मुम्बा देवी से प्रार्थना है और कामना है। जय श्री मुम्बा देवी। पूरे मुंबई में मुम्बा देवी की बहुत मान्यता है, लोग पूरे देश भर से यहाँ दर्शन करने और मन्नत मांगने आते हैं। वैसे तो श्री मुम्बा देवी मंदिर में रोजाना भीड़ जुटती है, लेकिन मंगलवार के दिन यहाँ लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता है। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ सच्चे दिल से मांगी गई कोई भी मुराद पूरी हो जाती है, और अगर मंगलवार के दिन मुम्बा देवी के दर्शन कर लिए जाएं, तो उनके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सो दोस्तों, मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद मैं आ गई हूँ मंदिर से बाहर, एंड सच में मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे इतने अच्छे से दर्शन हुए माँ मुम्बा देवी के। और अब समय है ब्लॉग को एंड करने का, तो मंदिर से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे ब्लॉग में कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग रश्मि प्रिया ब्लॉग्स।